Today we will study English literature. आज हम English literature पढ़ेंगे. Second chapter. A walk with Dadu. कौन कौन रीडिंग कर चुके हो रेज योर हैंड. दोस वी हैव डन रीडिंग रेज योर हैंड. सेकंड चैप्टर का रीडिंग जो जो कर लिए हो हाथ खड़ा करो. खीरोज चंद्रमा जी वेरी गुड. स्वयं श्री नायक वेरी गुड. ज्योति रंजन वेरी गुड. प्रत्युष वेरी गुड. जानवी वेरी गुड. तुषार वेरी गुड. सुकन्या वेरी गुड. ओके बिफोर 10 days वो चैप्टर में समझाया था. किसको किसको याद है बोलो. जिसको जिसको याद है रेज योर हैंड. सेकेंड चैप्टर 10 days के पहले में पढ़ाया था. किसको किसको याद है. तुषार किरण माजी विशाल. ज्यादातर बच्चों को याद नहीं है तो वो चैप्टर आज फिर से हम पढ़ेंगे. अगेन वी विल स्टडी दैट चैप्टर. आई विल एक्सप्लेन यू दैट चैप्टर. Chapter 2 A Walk with Dadu. A Walk with Dadu. Swayam Shri, second chapter ka name? A walk with Dadu. Maureen, second chapter name? Yes, sir. Second chapter name? A walk with Dadu. Okay. वैभव सूर्या. आकाश कुमार मुंडा. व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर को क्या बोलते हो. ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं. नहीं पता. ग्रैंडफादर जेजे. ओके जेजे. और वैभव सूर्या व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंडफादर.
ग्रैंडफादर को क्या? I have no grandfather. ओके जे जे और अजय कोई भी नहीं है? नो ओके लिखिता श्रद्धा यस सर व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडफादर को क्या बुलाती हो विशाल रजक व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर को क्या दादा दादा ओके जानवी व्हाट डू यू कॉल योर ग्रैंडफादर दादू ओके दादू के साथ मॉर्निंग वॉक या जंपते वाले वाक योर दादू दादू के साथ घूमने के लिए जाते हो विच प्लेस सूर्या सोहन वेयर डू यू गो विद ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के साथ कहाँ घूमने जाते हो कहाँ जाते हो मार्केट वेयर डू यू गो विथ योर ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के साथ कहाँ जाते हो दिव्यांशु What do you see when you are going on a walk? कहीं घूमने के लिए जाते हो तो क्या देखते हो तुम? क्या देखते हो? दिव्यांशु ग्रैंडफादर या पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो व्हाट डू यू सी से अगेन ट्री बर्ड्स और काउ ओके सुकन्या सुकन्या यस सर
What do you see when you go on a walk with your grandparents? कहीं घूमने के लिए जाती हो तो क्या सब देखती हो? प्रत्युष प्रत्युष व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो ऑन ए वॉक विथ योर ग्रैंडपेरेंट्स और पेरेंट्स पापा मम्मी या ग्रैंडपेरेंट्स के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हो तो क्या सब देखते हो? काउ गोट्स ट्री काउ गोट्स घर और बिग बाजार भी जाता हूँ और मार्केट भी जाता हूँ। ओके ओके नाउ बेब किरण चंद्रमा जी यस सर व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो ऑन ए वॉक विद योर पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स तुम जू गए हो Elena Elena sit in front of the camera Hamidur Whom do you love more kisko zyada pyar karte ho parents or grandparents Chirag Whom do you love more, parents or grandparents? Papa, mummy, या दादा दादी? दादा दादी, नाना नानी? से? सौर्य सहन देहुरी Whom do you love more, parents or grandparents? किसको ज्यादा प्यार करते हो पापा मम्मी या दादा दादी नाना नानी मम्मा को मम्मा को दिव्या सा दिव्या सा सीट सीट प्रॉपर सर नहीं आ रहा है हेलो सर नहीं आ रहा है सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर ओके टुडे वी विल सी द लव बिटवीन ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडफादर एक बच्ची और उनका दादा का अंदर कितना प्यार होता है वो आज हम पढ़ेंगे दादू वॉक्स टू द बीच एवरी डे दादू वॉक्स टू द बीच एवरी डे
दादू हर दिन बीच को जाते थे। जानवी वेयर डू दादू गो एवरी डे? दादू हर दिन कहाँ जाते थे? दादू हर दिन कहाँ जाते थे? बीच। जोर से बोलो, बीच। वेरी गुड। दादू वॉक्स टू द बीच एवरी डे। आई वॉक विथ हिम टूडे। Here I means this girl. यहाँ पर I का मतलब ये girl है। This girl, I walk with him today. आज वो लड़की अपने grandfather के साथ walk में beach को गई। Walk means चलना। चल चल के वो अपना दादू के साथ बीच को गई। देव प्रकाश कैमरा ऑन। चिराग ज्योति रंजन। Yes, sir. दादू के साथ कौन बीच को? दादू के साथ कौन? Who do went to beach with दादू? दादू के साथ कौन बीच को गए? दादू के साथ एक लड़की बीच को गई। Dadu points at the sky. Dadu sky ki taraf wo ladki ko dikhaye. Look, Dina, he says. Wo ladki ka naam kya hai? Dina. That girl name is Dina. Grandfather told me. Look, Dina, वो sky को दिखा कर बोले, Dina देखो, वो sky को देखो। There are many birds in the sky. There are many birds in the sky. Sky में बहुत सारे birds थे। The birds fly home before it gets dark, says Dadu. The birds fly home before it gets dark. Sir, पढ़ो उसको। अब बोलो सब इसे रिपीट करो। रिपीट करने वाले। पढ़ो तुम अपने से। जब इवनिंग हो जाता है तो बार्स सब अपना घर चले जाते हैं। बार्स का घर को नेस्ट बोलते हैं। बार्स ऑल गो टू देयर नेस्ट। व्हेन इट बिकम्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा होने से शाम हो जाता है, तो शाम को बार्स ऑल फ्लाई टू देयर नेस्ट। Amijur. Yes, sir. बार सब कब घर जाते हैं? क्या बोले? बार सब कब अपना घर जाते हैं? डार्क हो जाता है। जब डार्क हो जाता है तो। Very good. अंधेरा होने से पहले। Morning. प्रत्युष। यस सर।
When do birds go home? बार्स अपना घर कब जाते हैं? मम्मी दिव्या सा दिव्यांशु When do birds go home? बार्स कब घर जाते हैं? Evening. Very good. Divya sir, when do birds go home? Evening. Very good. Likhita Shraddha Sukanya. What is the name of the दादू के साथ जो गन है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गन लिखिता वो गाल का नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गन जानवी What is the name of that girl? Dina. Dina, very good. Let's see what happens. उसके बाद क्या होता है देखते हैं. Dadu and I walk on the soft sand. Dadu and I walk on the soft sand. Dadu ko Dina soft palo mein. Yes sir. Dadu and Dina walk on the soft sand. में बालू पूरा सॉफ्ट बालू के ऊपर वो चल रहे थे वी ईट आइसक्रीम वी लुक एट द सी वी ईट आइसक्रीम वी लुक एट द सी वो आइसक्रीम खा समंदर की तरफ देख रहे थे दादू एंड दीना वेर ईटिंग आइसक्रीम एंड दे वेर लुकिंग एट द सी वो आइसक्रीम खाते खाते तरफ देख रहे थे वी वॉच बॉयज क्रिकेट We watch some boys play cricket. Dadu और दीना देखे कि समंदर के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. Some boys were playing cricket near the beach. Tushar Ranjan Deepraj You turn on your camera. Aradhya. Shraddha Sri. Maureen. Yes, sir. Samandar ke paas kaun khel rahe the? समंदर के पास कौन खेल रहे थे ये तो सुना ना स्वयंश्री
प्लेइंग नियर द सी? समंदर के पास कौन खेल रहे थे? समंदर के पास कौन खेल रहे थे? Who were into the boys? Boys were playing. कुछ boys समंदर के पास खेल रहे थे. तुम बोलो वो सर में बोलूंगा बोल के वो बॉयज क्या खेल रहे थे? क्रिकेट सर. Very good. Nikita? What the boys were playing? Wo boys kya khel rahe the? Cricket. Cricket. Very good. Sukanya? Janvi, where do the boys play cricket? Boys कहाँ पर cricket खेल रहे थे? लड़के कहाँ पर cricket खेल रहे थे? समुद्र के? बोलो. समुद्र के किनारे. जोशर को बोलो जोशर. समुद्र के किनारे. Very good. Near the sea. Boys were playing near the sea. वो बीच को. चिराग, प्रत्युष, यस सर. व्हाट डज दादू एंड दीना वेयर ईटिंग? दादू और दीना क्या खा रहे थे? आइसक्रीम. वेरी गुड प्रत्युष. आइसक्रीम. वेरी गुड चिराग. Dadu and Dina eat ice cream. Very good. Vaibhav Surya, Elena, Dadu and Dina कहाँ चल रहे थे? Where were the Dadu and Dina were walking? Beach. Again? Beach. Near the beach. Very good. Vaibhav. Near the sea, sand is soft or hard? बालू soft होता है समंदर के पास या hard होता है? Soft. Very good. Okay, let's see what happens the next.
उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे. व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट. द बॉल फॉल्स इनटू द सी. ओ नो द बॉल फॉल्स इनटू द सी. ओ नो. The ball falls into the sea. बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे थे क्रिकेट बॉल falls into the sea. समंदर के अंदर क्रिकेट बॉल गिर गया. A boy swims after the ball. A boy swims after the ball. When the ball falls into the sea, a boy jumps into the sea and he started swimming. जब बॉल समंदर में गिर गया, एक बॉय समंदर में तैरते हुए बॉल के पास गया. He finds it and throws it back to his friends. He finds it and throws it back to his friends. वो बॉल पकड़ लिया, समंदर के अंदर जो बॉल गिर गया था उसको पकड़ लिया. उसके बाद वो समंदर के किनारे फेंक दिया. Now I will ask questions. Elena, Hamidur, where does the ball fall? Ball kahan gir gaya? Sea. Very good. Samundar ke andar. Very good. Tushar, Surya Sohan. Yes, sir. Where does the ball falls? Ball kahan gir gaya? To the sea. In the sea, okay. Tushar, who swims into the sea? Jab ball gir gaya, to kaun swimming karke समंदर के अंदर गया? लड़के गए थे ना? कौन गया था समंदर के अंदर बॉल लाने? जब बॉल लड़का गया तो कौन गया था बॉल को लाने? एक लड़का. वेरी गुड. ए बॉय. तुसर नहीं बोल रहे हो. सूर्य सोहन. वेरी गुड. Okay, then next we'll see what happens. Dadu sits on the sand. Dadu sits on the sand. Dadu वो बालू के ऊपर बैठे थे. I sit on a big rock and Dina Dadu sits on the sand and Dina sits on a rock. Dadu balu mein baith ke aur Dina ek bada sa patthar ke upar baith gayi. Oh, the rock moves. Oh,
ये पत्थर तो चल रहा है. What is it? What is it? I am so scared. ये क्या है? ये पत्थर क्यों चलते जा रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है. I ran fast to Dadu. जब वो पत्थर चलने लगा तो दीना को पूरा डर लगा. जब डर वो उसको डर लगा तो वो दादू के पास पूरा रनिंग करके चली गई. दीना, that's not a rock, it's a turtle. दादू saying to दीना, दीना, this is not a rock, it is a turtle. ये रॉक नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये तो एक कछुआ है, टर्टल है. Says दादू with a big smile. दादू पूरा स्माइल मार के बोले, अरे बुद्धू, ये तो रॉक नहीं है, ये तो एक बड़ा सा टर्टल है. The big turtle walks slowly to the sea. वो big turtle slowly walks to the sea. Slowly वो समंदर के अंदर चला गया. Then Dadu and I walk home slowly too. उसके बाद दादू और दीना भी अपना घर स्लोली चल के घर चले गए. I hope you all have understood the chapter. And for today, the time is over. So tomorrow, again, I will ask some questions about the chapter 2. Bye-bye. Bye bye all. All of you read the chapter. Sab chapter ko acha se reading karoge. Tomorrow I will ask some questions. Kal main kuch questions.